बारहवें अध्याय में हमने देखा कि भक्ति योग, भक्ति कैसे करनी चाहिए और किसको क्या सूटेबल है। तेरहवें अध्याय में अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, तो इससे रिलेटेड कुछ सात आठ क्वेश्चंस पूछता है। उनका मकसद ये है कि अपने आप को जानने के लिए, अपने शरीर को, शरीर के बारे में ज्ञान को, और उसे क्या करना है, कैसे उसे संभालना है, तो उस विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अच्छी तरह से बताते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप अपनी ड्यूटी करो, जो मन लगा के जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरी तरह से करो, द्वेष वगैरह ना करो, किसी से बदला लेने की इच्छा या किसी को नो, जो उस समय आपकी ड्यूटी है, सेल्फ अवेयरनेस जैसे होती है, माइंडफुलनेस, चारों तरफ क्या चल रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, और क्या एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ को डोमिनेट करते हैं, उसकी भी समझ होनी चाहिए। जैसे आपकी जीवा है, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे सुनते हो, आप कैसे भगवान की प्रार्थना करते हो, कैसे डिवोशन, पूरी अंदर से डिवोशन आनी चाहिए, तो ये चीज़ें जो हैं वो सब आपको प्रॉपर ज्ञान देंगी कि क्षेत्र आपकी बॉडी क्या है, क्षेत्रज्ञ उसमें जो आत्मा है वो क्या है, आत्मा से कैसे जोड़ अपना रखना है, और बॉडी को देखना है अपना, जो काम तो बॉडी करेगी, तो उसको सिर्फ साक्षी की तरह से, एज ए विटनेस नोट करो कि ये क्या काम ठीक कर रही है, नहीं ठीक कर रही है, लेकिन अपना ध्यान आप अपनी ड्यूटी पे रखो, ध्यान आप रखो कि कैसे आपने अपना जीवन का उद्धार करना है, जीवन को कैसे सुधारना है, कैसे भगवत प्राप्ति के लिए आपने कर्म करना है, क्योंकि उसी से संतोष मिलता है, उसी से आपके मन को चैन मिलता है, और उसी में खुशी है। कभी भी अगर बहुत आप कुछ डिमांड करते हो, कुछ ये सोचते हो ये भी मुझे मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली इस लोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव हो, एवं जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, तथा पुत्र स्त्री घर धन आदि आसक्ति का अभाव और ममता का ना होना, तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त सम रखना, अर्थात मन को अनुकूल तथा प्रतिकूल प्राप्त होने पर हर्ष शोक आदि विकारों का ना होना, और मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारणी भक्ति तथा एकांत तथा शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषय युक्त संयुक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह तो सब ज्ञान है, जो इसके विपरीत है वह अज्ञान कहा जाता है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है और आसक्ति रहित है, गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सब को धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है तथा चर अचर और वे भी है, और वे सूक्ष्म होने से अविज्ञ तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है।
और वह विभाग रहित एक ही रूप आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ। चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक सदृश स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप भूतों को धारण करने वाले, धारण पोषण करने वाले तथा रुद्र रूप में संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूप में सबको उत्पन्न करने वाले हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्जुन, उस परम परमात्मा को कितने ही मनुष्य तुम शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में रखते हैं, देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं और ऊपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात मंद बुद्धि वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों को साथ तत्व को जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। वे सुनने से परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निसंदेह छूट जाते हैं और ये पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प को ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये अर्जुन अनादि होने से और गुण अतीत होने से भी अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है न लिपायमान होता है, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता। और हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेदों तथा विकार सहित प्रकृति के छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान के नेत्रों द्वारा तत् से जानते हैं वे महात्मा जान परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसा मेरा भक्त है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।